इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच शुरुआत में कई बार झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि रश्मि ने सिद्धार्थ के ऊपर गुस्से में चाय तक फेंक दी थी। हालांकि अब दोनों के बीच शो में मजाक मस्ती देखने को मिल रही है। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही है कि सिद्धार्थ और रश्मि बिग बॉस के बाद एक शो में साथ नजर आ सकते हैं, और इस खबर के बाद से रश्मि और सिद्धार्थ के प्रशंसक काफी उत्साहित हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के एक साथ शो में आने की सुगबुगाहट है। खबरों की माने तो ये कोई और शो नहीं बल्कि रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी है, और रिपोर्ट के अनुसार रश्मि और सिद्धार्थ को इस शो में दोबारा फ्रेश जोड़ी के तौर पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अन्य सितारों को भी फोन किया जा रहा है। खास बात तो ये है कि इस शो का हिस्सा रश्मि और सिद्धार्थ दोनों ही रह चुके हैं। रश्मि देसाई खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 में नजर आ चुकी थी, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 7 में। सिद्धार्थ इस सीजन के विजेता भी रहे हैं, और बिग बॉस में आने से पहले ये दोनों कलर्स के ही एक टीवी शो दिल से दिल तक में भी साथ नजर आए थे। इस शो से इन दोनों की जोड़ी हिट हो गई थी। शो के दौरान इन दोनों के झगड़े कई बार खबरों में भी आई थी। दिल से दिल तक सीरियल के खत्म होने के बाद दोनों बिग बॉस में आए, और इस शो में भी दोनों के बीच टशन साफ दिखाई दिया। इस शो में इन दोनों ने एक टास्क के दौरान रोमांटिक डांस भी किया था, जो दर्शकों को खूब पसंद आया था। ये वही डांस था जिसे इन दोनों ने अपने सीरियल में किया था। बिग बॉस 13 की अगर बात करें तो इसमें रश्मि देसाई की निजी जिंदगी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। शो के दौरान अरहान खान का आना और रश्मि को प्रपोज करना, इसके बाद सलमान ने अरहान की शादी और एक बच्चे का खुलासा भी किया, जिसके बाद खूब बवाल भी मचा, और कुछ दिन पहले रश्मि ने ब्रेकअप का ऐलान भी किया। रश्मि के मुकाबले सिद्धार्थ निजी जिंदगी पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे हैं। तो दोस्तों, आपको सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की जोड़ी कैसी लगती है, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।